के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से शुभारंभ हो रहा है। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, बड़ा मार्मिक प्रश्न है और ये प्रश्न आपके लिए ही पूछा गया है। कि संसार में मनुष्य का जन्म होता है, और जन्म लेने के बाद ज्यों ज्यों मनुष्य की उम्र बढ़ती है त्यों त्यों ये मनुष्य उलझता चला जाता है। इसके भीतर अशांति, टेंशन, तनाव, दुख, चिंता बहुत बढ़ जाती है और ये चीज़ें जब बढ़ती हैं तो मनुष्य के चेहरे की सुंदरता खो जाती है। इसलिए धीरे धीरे जो लोग सुंदर दिखते थे वो 30 साल की उम्र के बाद बंदर दिखते, सुंदर नहीं दिखते। ऐसा लगता कोई बंदर बैठा है क्या? ये ऐसा हुआ क्यों? ये सब चिंता, टेंशन, तनाव के कारण हुआ है, दुख के कारण हुआ है। और कबीर साहब ये भी कहते हैं कि तन धरी सुखिया काहो न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। साहब कहते हैं जितने शरीरधारी हैं उनको मैंने सुखी नहीं देखा, कोई ना कोई दुख है उनके पास। नंबर एक, तीन प्रकार के दुख होते हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। आदि मतलब मानसिक दुख और व्याधि यानी शारीरिक दुख, बीमारी का दुख। और उपाधि जैसे यहाँ तुम बैठे हो, अचानक कोई मारू भैंसा इसमें घुस पड़े और किसी को रौंद डाले, ये उपाधियाँ। या अधिक पानी बरसे आपकी फसल डूब जाए, ये उपाधि है। या बादलों से ओले गिरे तुम्हारी फसल नष्ट हो जाए, ये उपाधि है। या तुम्हारी गाड़ी खड़ी है और कोई उसमें ठोकर मार दे, गाड़ी कूच दे, तो तुम्हारे चोट नहीं लगी लेकिन आपको कष्ट तो हुआ क्योंकि गाड़ी आपकी, ये उपाधि है। या तुम जा रहे हो, कोई शराबी आ गया, उसने ईंट मार दी तुम्हारी, तो ये उपाधि है। और आधि, व्याधि, उपाधि, ये तीन दुख जिसमें शरीर में जो व्याधि होती है। रहिमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाणत साथ, खग मृग वशत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। बहुत मार्मिक है। रहीमदास कहते हैं बहुत तरह से इलाज करने के बाद भी मनुष्य का रोग साथ नहीं छोड़ते। जुखाम का इलाज करो तो बुखार आ जाता है, बुखार का इलाज करो तो कमर में दर्द शुरू हो गया, कमर दर्द ठीक हुआ तो सिर दर्द शुरू है,
सिर दर्द ठीक हुआ तो दांत में दर्द शुरू, दांत का दर्द ठीक हो पाया तो पेट में दर्द, किसी के घुटने में दर्द, किसी के तो आंख में दर्द है। किसी को कैंसर हो गया है वो दुख, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है वो दुख। इस शरीर में इतने रोग हैं, बहुत से लोगों के शरीर में ऐसे ऐसे रोग हैं कि शर्म के कारण वो कहते भी नहीं है और रोग का इलाज भी नहीं कराते। और बड़ी मजे की बात ये भी है, शरीर में जब तक रोग न हो जाए तब तक मनुष्य जो है इस शरीर के साथ में उदंडता भी करता है। कभी तो बहुत ज़्यादा खाएगा, कभी बिल्कुल खाना बंद कर देगा, और कभी पानी भी नहीं पिएगा, कभी आधी बाल्टी पानी एक ही बार में पी लेगा, कभी अगर जलेबी मिल गई तो आधा किलो अकेले खा लेगा। इसके अंदर ऐसी ऐसी विकृतियां हैं, जब तक इसका शरीर बिगड़ नहीं जाएगा तब तक ये मानता भी नहीं। कहीं ठंडी में बैठा रहेगा, गरम कंबल नहीं ओढ़ेगा, कभी गर्मियों में भी ओढ़ के सोएगा, इसका काम बहुत उल्टा रहता है। बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, जब सब फेफड़े खराब हो जाएंगे तो दारू भी छोड़ देगा। डॉक्टर से कहेगा, डॉक्टर साहब अब तुम ही ठीक करो, तो डॉक्टर भी कहता है बिगाड़ा तुमने हो, ठीक मैं करूँ? बोले दारू पीते हो कि नहीं? बोले पीता तो था पर अब छोड़ दिया, अब छोड़ दिया, अगर तभी छोड़ देते तो ये दशा ही ना होती। तो इस मनुष्य भी विषयों को भी बहुत भोगता है, अपने शरीर की शक्ति को इतना छीड़ कर देता है। 30 साल की उम्र में ये बूढ़ा जैसा दिखने लग जाता है, ये रोज शीशा देखता है, दर्पण देखता है, फिर भी अपने की चिंता नहीं करता है, मेरा शरीर कितना बिगड़ता जा रहा, सूखता जा रहा है। न तो इस बात को महिलाएं ध्यान देती हैं, न पुरुष ध्यान देते हैं। अपनी शक्ति को भी संभालो। ये संसार के इंद्रियों के जितने भोग हैं इनमें तुम्हारी वह शक्ति छीण होती है जो कि 8-8 लीटर खून से बनती है, और वो शक्ति ये संसार के क्षणिक भोगों में छीण हो जाती है, और वही शक्ति आपके शरीर के अंदर चमक लाती है, मुखमंडल पर चमक, ललाट पर चमक, हाथों में चमक, होठों पे ललाई वो देती है। अब वो जब नहीं रह जाती है तो महिलाएं तो रास्ता निकाल लिया, इन्होंने लाल रंग लगा लेती है, धोखा देती है पुरुषों को कि अभी भी ललाई है, कम मत समझना। पुरुष धोखा खा जाते हैं। अभी तो कितनी महिलाएं गाल में भी लाल रंग लगाती है, बड़ा जाल है संसार में गाल में। अब ये सब कितना उपद्रव है, लोगों को धोखा देने पर तुले हुए हैं लोग, वो पुरुष धोखा खा भी जाता है, सारे संसार में धोखा धड़ी ही चल रही है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं बहुत महान हैं, यहाँ कोई महिला ओठ में लाल रंग लगाकर नहीं आई है, ये समझदार है, वो समझती है कि गुरुदेव ऐसा ज्ञान देंगे उसी से हमारी जिंदगी पूरी लाल गुलाल हो जाएगी, जरूरत नहीं है। थोड़ा ताली भी दमदार बजाना।
हाँ ये सत्संग मंडप को मरघट न बना देना, ऐसा सीरियस बैठो गंभीर मरे मराए जैसे, 3 दिन में हमको भी निपटा दोगे तो। हंसा भी करो, अभी भी इसमें खोल के नहीं हंस रहे हैं, डरे डरे हंस रहे हैं, अरे पूरा खुलो। हाँ ये आदमी ने लगाया, लेकिन इसने थोड़ा नकलची हंसी हंसा। ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए। जय हो, बोलो सतगुरु भगवान की जय। अब थोड़ा तुम ढीले पड़े हो, अभी तक बहुत सीरियस टाइट थे, अब तुम्हारी रस्सियां मैं ढीली कर पाया हूँ। हाँ थोड़ा स्वतंत्र और सरल बैठकर आनंद लो, हंसना भी चाहिए। तो ये 3 प्रकार के दुख होते हैं, और कबीर साहब कहते हैं कि किसी प्रकार का दुख हो पर दुख में घबराना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। साहब कहते हैं दुख में घबरा जाओगे तो दुख दुगना प्रभाव डालेगा, और दुख में धैर्य रखोगे तो दुख सुख में बदल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, जग दुख का मेला है। ऐसा है, ये दुख वाली लाइनें गाते समय गाने वालों के आवाज से भी लगता है ये भी दुख में ही है। और तुम लोगों की तो आवाज ही नहीं निकल गई, इसका मतलब लगता है कि बहुत ज्यादा ही दुख में है। जब ज्यादा दुखी होता आदमी तो आवाज नहीं निकलती, तो तुम्हारी तो आवाज ही नहीं निकल रही है, तुम बहुत ज्यादा ही दुख में हो। जो दुख है सो है, लेकिन गाओ तो कम से कम। दुख में मत घबराना पंछी, दोहराओ सब। घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। 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 मत घबराना पंछी हो, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है।
अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। धन है कोमल पंख ये तेरे, धन है कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी, बैठ गया तो होगी कैसे, बैठ गया तो होगी कैसे, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है, 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 जिसने संकट झेला है। जल्दी जल्दी बजाते हैं। सत्संग का अर्थ होता है जो तुमको खुशियों से भर दे, प्रसन्न कर दे, तुम्हारे दुख दूर कर दे, पीड़ा को कम कर दे, उसी का नाम सत्संग होता है। आइए ध्यान एकाग्र कीजिए। तो कबीर साहब कहते हैं, दुख में घबराना नहीं चाहिए। और मनुष्य तो एक है, इसके पास में दुख नाना प्रकार के, आपके पड़ोस में नाना पूरी गांव भी है, दुख भी नाना प्रकार के हैं। और विचित्र विचित्र दुखों में ये सीधा साधा इंसान फंस जाता है। कहीं परिवार का दुख, बीमारी का दुख, शादी न होने का दुख, शादी हो गई पति ठीक नहीं मिला तो दुख, पत्नी चंडाल खोपड़ी मिल गई तो दुख, बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो दुख, बच्चे पैदा भी हो गए तो कौरव दल है पूरा, तो बहुत बड़ा दुख। बेटी कोई ऐसी पैदा हुई सुपर्णखा जैसी, बहुत दुख।
बच्चों की शादी नहीं हो रही तो दुख, बच्चे पढ़ नहीं पाए तो दुख, सर्विस नहीं मिली तो दुख, सर्विस मिली तो दारू पीने लगे तो दुख, वेतन घर में नहीं देते बहुत बड़ा दुख, घर के लोग गुस्सा बहुत करते हैं ये बहुत दुख, आलसी हैं घर के लोग वो दुख, कोई काम नहीं करता तो दुख, खर्चा ज़्यादा करते हैं ये दुख, जिनको ज़रूरत नहीं वो भी बड़े बड़े मोबाइल रखे हैं तो बहुत बड़ा दुख, हर समय मोबाइल में कुछ देखते रहते हैं, पिक्चर, कॉमेडी और फेसबुक चलाते हैं, वो भी दुख कि जब देखो तब मोबाइल में लगे रहते हैं तो दुख, गाना सुनते हैं वो दुख, गाली बकते हैं लड़के तो दुख, पड़ोसी जलन करता है तो दुख, शरीर में बीमारियां बहुत हैं तो दुख, पत्नी सदैव बीमार रहती वो दुख, पुरानी गाड़ी खरीदा रोज बिगड़ती है तो दुख, नई गाड़ी खरीदने पैसे नहीं तो दुख, ऊट पटांग ड्राइवर मिला है तो बहुत दुख, चोरों का दुख, मितान ऐसे मिले जो उतान पड़े हैं वो दुख, उधर कोई बहुत आनंद आ गया, उसका मितान उतान गिरा होगा और मितानिन बनाया है, ऐसी मितानिन है पूरी शैतानिन है, सब घर बिगाड़ दिया है, वो भी दुख, रिश्तेदार कंजट करने वाले मिल गए वो भी दुख, पुराना घर है पानी बरसे तो टपकता है रात भर दुख, खाट इधर उधर खींच रहे तो दुख, जिधर देखो उधर टपक रहा, खपड़ेल के नीचे खोपड़ी परेशान है वो दुख, घर में छोटा किचन है धुआं बहुत बढ़ता है महिलाओं को दुख, जब रसोई में पहुंचती हैं तो उनको मन रिसा जाता है, इतनी छोटी रसोई, किस मॉडल की रसोई, न पति के पास बुद्धि है न पत्नी के पास बुद्धि है, घर भर बुद्धू ना तो बहुत दुख सब उल्टा खोपड़ी का काम, लड़का लड़की बदचलन है तो बहुत दुख, घर में पैसे की आमदनी नहीं है तो दुख, घर का आदमी कोई कहना नहीं मानता सब मनमानी करते तो बड़ा दुख, कोई सेटिंग प्लानिंग से काम नहीं करते हैं तो भी दुख, कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति को 10 मोरख मिल जाएं तो बुद्धिमान की खोपड़ी को भी चटनी बना देंगे, टमाटर की चटनी लोढ़ा और सिलौटा पर पीस देंगे, या लोढ़ा होता ना लोढ़ा और सिलवट क्या बोलते हैं सिलोटी थोड़ा थोड़ा मैं आपके देश की भाषा जानता हूँ, पूरा तो पता नहीं, अब लोढ़ा याद रहा वो सिलोट वाला भूल गए सिलोटी, घर के बच्चे फैशन बहुत करते तो दुख, लड़के ऐसी पैंट पहनते हैं
घुटने पर थोड़ा फाड़ लिया है, वो बहुत बड़ा दुख। पिता को दादा को चिंता है भी घुटने पे फाड़ा है, कहीं पीछे न फाड़ ले। बेवकूफ आदमी नंगा होना चाहता, इरादा क्या है। घर की लड़कियां बहुएं जब फैशन करती हैं तो बड़े बुजुर्गों को बड़ी चिंता होती है कि इतना फैशन हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या आने वाला, ये भी दुख। और ये सभी दुखों से यदि तुम पार होना चाहते हो तो रास्ता एक है, वो क्या है आज बताऊं कि 20 तारीख को बताऊं? तो 20 को आओगे नहीं क्या? आओगे तो उस दिन फिर क्या बताऊंगा मैं, सब आज ही बता दूंगा, उस दिन कुछ और बता दूंगा। कुछ बताने की कमी थोड़े है, तुम्हारे पास तो इतनी समस्याएं हैं, हम साल दो साल बताएं तो भी पूरा नहीं होगा। तो सब दुख दूर करने का उपाय बताता हूं संक्षिप्त सार टकट। एक ही उपाय है, यदि तुम शांति से एकांत में बैठ करके इस बात का ख्याल करो कि मेरी वजह से मेरे पिताजी को दुख तो नहीं, यदि मेरी वजह से है तो मुझे थोड़ा अपना बदलाव करना है। मेरी वजह से मेरे बेटे को दुख तो नहीं है, मेरे कारण मेरी सासू को, मेरी बहू को, मेरी बेटी को, मेरे पुत्र को, मेरे माँ को, मेरी बहन को, मेरे जमाई को, मेरे जीजा को, मेरे साला को, मेरे पड़ोसी को, मेरे कारण दुख तो नहीं है। अगर उनके दुख का कारण मैं हूँ तो मैं अपने अंदर परिवर्तन करूँगा, बदलाव करूँगा ताकि वो दुखी ना हो। और जब सब लोग अपने अपने अंदर ये विचार रखेंगे और सोचेंगे तो सभी अपना अपना बदलाव करेंगे, जो दूसरे से जो आप दुखी हैं वो तुम सुखी हो जाओगे। लेकिन इस बात को कोई सोचता ही नहीं, लोग उल्टा सोचते। लोग ऐसे सोचते हैं कि पिताजी के कारण मैं दुखी हूँ, ये नहीं सोचते कि मेरे कारण पिताजी दुखी है। लोग सोचते हैं मैं वाइफ के कारण परेशान हूँ, कभी ऐसा भी सोचो कि मेरे कारण वाइफ परेशान है। मैं दारू पीकर आता हूँ, सड़क किनारे पड़ा रहता हूँ, एक्सीडेंट में टांग टूट गई, जुआ खेलने में सब पैसा बर्बाद किया, तो मेरे कारण मेरी वाइफ दुखी है, मेरे कारण भाई दुखी है, माँ दुखी है, बाप दुखी है, बहन दुखी है, बेटी दुखी है, बेटा दुखी है, तो मैं दारू पीना छोड़ दूँ तो ये सारे लोगों का दुख मिट जाएगा। और जब तुम दारू पीना छोड़ोगे इनका दुख मिटेगा, तो ये भी कोई बुराई छोड़ेंगे तो तुम्हारा दुख मिटेगा। इस दुनिया में सब एक दूसरे को दुखी की हुई है, और छत्तीसगढ़ में भक्ति बहुत है और यहाँ तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, मानस प्रतियोगिता कार्यक्रम होता है, कबीर साहेब के भी सत्संग खूब होते हैं, 108 कुंडी यज्ञ भी होते हैं, और मुझे मालूम भी नहीं इतने इतने यहाँ कार्यक्रम छत्तीसगढ़ी भाषा में भी चलते हैं। गाँव में कुछ न कुछ होता ही रहता है, लेकिन फिर भी मेरा सर्वे है, भारत देश का सबसे अधिक शराब छत्तीसगढ़ में पी जाती है और सबसे ज़्यादा कुकरी मुर्गी छत्तीसगढ़ में खाई जाती है, और सबसे ज़्यादा अंडा, रामा रामा हरे हरे और कुकरी मुर्गी घरे घरे। बहुत दमदार, एक एक आदमी एक एक दर्जन अंडा खाता है और उसके बाद अपने पेट पर हाथ घुमाता है और पेट से पूछता और जरूरत हो डाल दूं दो अंडे।
पेट ओवरलोड हो गया है। वो कहते हैं जिसका खान पान नहीं सुधरा वो दुख से बच न सकेगा। युक्ताहार विहारस्य योगो भवत दुखः। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका आहार विहार यथा योग्य है उसके सभी दुख सुख में बदल जाते हैं और वही योगी है और वही सुखी होता है। और जिसका खान पान बिगड़ गया, आहार विहार बिगड़ गया, कर्म बिगड़ गए, सोना जागना बिगड़ गया, युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवत दुखः, तो उसका जीवन दुख में डूब जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा दुख से बचना है तो दूसरा फार्मूला है कि अपना आहार विहार ठीक करो। तो दुख को दूर करने का दूसरा सूत्र है आहार विहार को ठीक करना। खाने योग्य चीजों को खाइए और कम खाइए। ज्यादातर लोगों का स्वास्थ्य इसलिए खराब है कि अभक्ष्य भोजन करते हैं और अकच्छ भोजन करते हैं और ओवरलोड खाते हैं। ओवरलोड, और हर आदमी रोज सोचता है कल कम खाऊंगा और कल फिर ओवरलोड करता है। ऐसा करते करते पूरी जिंदगी निकल गई। कम खाना बहुत कठिन है। थोड़ा खाना और चबा चबा कर खाना और प्रेम से खाना, निश्चिंत खाना, खुश होकर खाना, खिलाने वाले की तरफ थोड़ा देखकर मुस्करा कर खाना, बिना बात किए खाना, बोलना नहीं और खाना, चेहरे पर प्रसन्नता हो तब खाना, टेंशन में ना खाना, मंद मंद मुस्कराते हुए खाना, खाने वाले को मन ही मन जो बनाया हो उसको धन्यवाद देना, परोसने वाले को भी धन्यवाद देना, परोसने वाले को भी धन्यवाद देना चाहिए, नहीं तो एक दो आइटम और परोसेगा ही नहीं, खीर वहीं रखी रहेगी तुमको देगा नहीं, भात दे दे या खाओ जाकर, शर्म के कारण मांग नहीं पाओ, और मांगोगे तो लोग कहेंगे बड़ा लालची है और नहीं मांगोगे तो देंगे नहीं। परोसने वाले को भी धन्यवाद दीजिए, भोजन बनाने वाले को धन्यवाद दीजिए और भोजन कम खाइए, बस इतना जरूर ध्यान दीजिए, थोड़े से भी काम चल जाएगा। कभी कभी थोड़ा मक्का भी खा लिया करो, मक्का के भुट्टे, कभी थोड़ा भुने चने चबा लो, कभी थोड़ी गुड़ खा लो, बदल बदल के दालें बदल बदल के खाओ, सभी दालें एक में मिलाकर पका कर खाओ। और कभी कभी थोड़ा भूखे भी रहो दो घंटे तक, कभी मूली गाजर खा लो सवेरे सवेरे, शाम को नहीं, और कभी एक दो टमाटर नमक के साथ खा लो, तुरंत खून बन जाएगा शरीर में, अनार खा लो, लेकिन लोग खाते भी तो क्या है, मछली खाते, इतनी गंदी मछली, मछली जहाँ रखी हो वहीं बदबू आती है। बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, इतनी बदबूदार मछली को खरीद कर ले जाते हैं, पकड़ कर लाते हैं, फिर काटते हैं, फिर कढ़ाई में पकाते हैं और सूंघते रहते हैं। तुम कहते हो बदबू आती, वह कहते हैं ऐसी खुशबू तो कहीं इंडिया में है ही नहीं और फिर उसको मुंह में रख कर चबाते हैं, हद हो गई, अरे वो देखने में ही घृणा लगती है, इतनी गंदी है।
और मछली नाक थूक बलगम खखार मुर्दा मरा जानवर कोढ़ी अपाहिज सड़े गले मेंढकों को भी मछली नोच कर खाती है और उस मछली को आदमी नोच नोच कर खाता है और फिर कहता है टेस्ट बहुत आया है। आएगा ही, इतनी गंदगी मिलेगी कहाँ। और उसको उत्तर प्रदेश में मच्छर गिद्धा कहते हैं, मच्छर गिद्ध आदमी है, मछली खाने वाला। अब ऐसी मछली खाकर, कुकरी खाकर, मुर्गी खाकर फिर ये हाथी जैसे पहलवान बनना चाहते हैं। मछली और मांस खाने वाले एक व्यक्ति ने मुझको बताया है सच्चाई। वो कह रहा था जिस दिन मैं खा लेता हूँ एक सप्ताह तक पेट खराब रहता है, टट्टी नहीं कर पाता हूँ, वो मछली टुकड़े आतम फंसे रहते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात, कम से कम मछली ने टट्टी तो बंद किया। अब मछली से कब्जियत हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, दारू से भी पेट खराब होता है, चाय से पेट खराब होता है, ज़्यादा खटाई खाने से, बहुत अचार खाने से पेट खराब होता है, बहुत मीठा खाने से पेट खराब होता है, ये समोसा कचौरी बहुत खाने से खराब होता है। एक खा लोगे वहाँ तक तो झेल ले जाएगा पेट, और जहाँ दो तीन समोसा और सड़ी चटनी मिलाकर खाया फिर पेट के अंदर भी सड़ेगा, वो निकलेगा नहीं जल्दी बाहर। और ज़्यादातर लोगों का पेट खराब है, और पेट खराब की पहचान क्या है? पेट खराब की पहचान है आपके चेहरे पे सुस्ती रहेगी, आपका चेहरा प्रसन्न नहीं रहेगा, आपके चेहरे पर मलिनता रहेगी, उदासी रहेगी, खुशी नहीं रहेगी, प्रसन्नता नहीं रहेगी, तो समझ लो पेट खराब है। जहां बैठते वहां ऐसे बैठते जैसे कोई अधमरे बैठे, लगता है कोई इनको कोटा पीटा है, दुखी बैठे, अंदर में परेशानी है पेट के अंदर, इसलिए वो उदासी आती है। और चिकित्सकों ने यह भी बताया है कि जब भूख लगे थोड़ा खा लो, ऐसा नहीं कि एक बार खाओ दो बार खाओ, नहीं, छह बार भी खा सकते हो, थोड़ा खा लिया। भूख लगे कहीं दो लड्डू खा लो, तिल वाले लड्डू, दो चार कटवा खा लो। अब तुम कटवा भी खाओगे तो आधा किलो खाओगे, तो कटवा भी अंदर जाम लगाएगा। जो चीज़ ज़्यादा खा लोगे वो चीज़ आपके पेट को खराब कर देगी। थोड़ा दूध पी लो, थोड़ा चना चबा लो, थोड़ा सा गुलगुल भजिया खा लो चार पांच। मैंने एक आदमी को देखा, वो 50 गुलगुल भजिया खाया और कटोरा भर टमाटर की चटनी। तो मैंने कहा कमाल है, एक कढ़ाई भर भजिया अकेले खा गया। तो बोला ये तो आपकी वजह से कम खाया। तो मैंने कहा मेरी वजह से कम क्यों खाए? बोले तुमने तीन ही खाया तो मैं शर्म के कारण 50 खाया, नहीं तो मैं तो 80 पर निकाल देता। तो मैंने कहा पेट है कि ऊंट का पेट है? बोले पूरा इंडिया गेट है। इतना भर के मत खाओ। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने बहुत रोक लगाई है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और तीसरी बात, यदि दुख से बचना चाहते हो तो सुबह से लेकर के शाम तक जो तुम कर्म करते हो वो कर्म को देखो, विवेक पूर्वक कर्म करो, संभल कर कर्म करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसका सही पालन करो। कि मैं क्या हूं पहले ये प्रश्न करो। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, और मेरी क्या ड्यूटी है? व्हाट इज माई ड्यूटी, हु एम आई, मेरा कर्तव्य क्या है?
यदि तुम शिक्षक हो, डॉक्टर हो, बैरिस्टर हो, जज हो, कलेक्टर हो, पुलिस जवान हो, तो तुम ये देखो तुम्हारा कर्तव्य क्या है। साधु हो तो सोचो तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तुम किसी की पत्नी हो तो ये विचार करो मेरा कर्तव्य क्या है। तुम्हारा कर्तव्य इतना नहीं है कि पति से रोज नई नई मांगे रखो कि गले का हार लाओ, नाक की नथनी लाओ, कान की कुंडल लाओ, पांव की पायल लाओ, अंगुली की बिछिया लाओ, हाथ की अंगुलियों की अंगूठी, कड़ा छड़ा झांझड़ा हथकड़ा बंद कड़ा ठोस कड़ा ये सब लाओ। ये सारे झंझट में मत पड़ो। स्त्री का सबसे सुंदर आभूषण, और स्त्री की बात छोड़ो, पूरी मनुष्य जाति को सुंदर बनाने वाला आभूषण आज बताने जा रहा हूं। अभी बता दूं आपको, सबसे सुंदर आप लगोगे, लेकिन ये सोच लो फिर ये क्रीम पाउडर जो बिक रही क्या होंगे, ये ब्यूटी पार्लर की दुकानों का क्या होगा। अरे भाड़ में जाने दो, ब्यूटी पार्लर की दुकान से क्या लेना देना, अपनी दुकान तो है नहीं, बंद होगी उसकी होगी, पर तुम ऐसे ही सुंदर लगोगे। बताऊं, बोलो, सभी लोग सुंदर बनना ही चाहते, पता चल गया। तो तुम ये तो पता लगाओ तुम बचपन में सुंदर थे तो ये सुंदरता खोया कैसे आपने। अगर खोने का रास्ता ढूंढ लो, वो रास्ता बंद कर दो, तो तुम सुंदर जिंदगी भर बने रहोगे, उस रास्ते को ढूंढो। अब तुम सोचोगे उलट कर हम ही फंस गए, तो फंसेगा कौन, खोया तुमने सुंदरता है। फिर भी मैं बता देता हूं सबसे अच्छी बात, जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, प्रसन्न और दांतों को साफ रखता है और ठीक से स्नान करता है और साफ कपड़े पहनता है, भोजन कम खाता है, पेट में कब्जियत नहीं होने देता है और खुश होकर दूसरों से बात करता है, क्रोध में नहीं रहता है, टेंशन नहीं करता है, चिंता की रेखाएं जिसके चेहरे पर चमकती नहीं है, जो समय आने पर हंसता भी है, गदगद रहता है, वो चाहे जहां बैठे वहीं पर ऐसा लगता है कि उसके चेहरे पर गुलाब का फूल खिला हुआ है, थोड़ा खुश रहा करो। खुश रहने का स्वभाव भी बनाइए। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, ये झमेले कम होने वाले तो है नहीं। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। लोकेश धन्यवाद। तो क्या है, दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है। क्या यही है, क्या है अफसोस, बस यही है कि एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे, ये झमेले तो कम होने वाले नहीं, सपने धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो मिला है उसका आनंद लीजिए, जो खो गया है उसको भूल जाइए, जो और जरूरत है उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम कीजिए, और परिश्रम से भी जो नहीं प्राप्त हो रहा है उसको त्याग कर दीजिए, टेंशन में मत पड़िए, और जितना है उसी में मगन रहिए, हर वक्त लगन में मगन रहो। अब सुबह हुआ फिर शाम नहीं, एक धाम मिला गुर की दाया, ऐसा दुनिया में कोई धाम नहीं, ये कबीर धाम। आपके जिले का नाम भी बहुत अच्छा है,
कबीर धाम नाम है ना, कबीर धाम। पूरे भारत देश में ये पहला जिला है जिसका नाम कबीर धाम है, और ये मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की देन है। कहीं न कहीं उनके मन में कबीर की याद रही होगी, इसलिए कबीर धाम नाम कर दिया, कवर्धा बदल दिया। उत्तर प्रदेश में जहाँ कबीर साहब का अवतार हुआ काशी में, काशी बनारस वाराणसी, उसके तीन नाम, कोई काशी कहता, कोई बनारस कहता, कोई